तो दोस्तों द वैक्सीन वॉर फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है, लेकिन रिलीज से पहले इस फिल्म के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड केवल एक फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि एक वेल ऑर्गेनाइज गैंग है जो कि भारत और सनातन धर्म पर प्रोपगेंडा मूवीज को स्पॉन्सर करता है। हिंदू राजाओं के स्वर्णिम इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने के लिए तो बॉलीवुड कुख्यात है ही, साथ ही साथ यहाँ अली मोला जमकर परोसा जाता है। और जब कोई व्यक्ति सच्ची घटनाओं पर आधारित कोई फिल्म बनाता है तो उसका जमकर बायकॉट ये बॉलीवुडिया गैंग करता है और उस फिल्म को एक तरह से साइडलाइन कर देता है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जिस तरह से बॉलीवुडिया गैंग की तरफ से बायकॉट किया गया, उसके खिलाफ साजिश रची गई, ये तो आप सभी ने देखा। और अब विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म द वैक्सीन वॉर का भी बॉलीवुड ने बायकॉट शुरू कर दिया है और उस फिल्म को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है। इस फिल्म को प्रमोट करना तो दूर की बात है, कोई इसकी चर्चा तक नहीं कर रहा। इस पर अब विवेक अग्निहोत्री का भी दर्द सामने आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। दोस्तों मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं एक फिल्म आ रही है द वैक्सीन वॉर जो हमने बनाई है। ये फिल्म भारत के साइंटिस्ट, भारत की कहानी है, भारत की महिलाओं की विजय की कहानी है, भारत के कौन दुश्मन है उसके बारे में ये कहानी है। लेकिन कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट मीडिया जो है उसने ये मान लिया है कि ये फिल्म ही नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें, आप YouTube में जाइए, हमारा ट्रेलर आया, कहीं कोई रिव्यू नहीं मिलेगा। आप जो लोग अपने को ट्रेड एनालिस्ट, ट्रेड क्रिटिक्स या अपने को मीडिया रिव्यूअर्स या मीडिया क्रिटिक्स बोलते हैं या एंटरटेनमेंट मीडिया बोलते हैं, आपको कहीं हमारी फिल्म का जिक्र नहीं मिलेगा। आप ट्विटर इंस्टाग्राम में जाके सबकी टाइमलाइन चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन इतना आवश्यक हो गया है क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। स्कैम चल रहा है बॉक्स ऑफिस फिगर्स को लेके, स्कैम चल रहा है एडवांस बुकिंग के फिगर्स को लेके। फिल्म के रिलीज होने के ही पहले उसे हिट और फ्लॉप और हाइप पे क्रिएट किया जाता है, ये फिल्म उससे लड़ाई लड़ रही है। ऐसा ये एक विषय ऐसा है जिस पे कभी आराम से स्कैम के ऊपर बात करेंगे। आप सब जानते हैं ये स्कैम क्या है, फिल्मों को हिट बनाना, स्टार बेस्ड फिल्म है उसके लिए ढोल बजाना। लेकिन जो इतनी महत्वपूर्ण फिल्म है, जो कि आपकी फिल्म है, जो फिल्म आपकी माँ के बारे में है, जो फिल्म आपके आसपास बहनों भाभियों के बारे में है, जो भारत की विजय के बारे में है, इंडिया कैन डू इट के बारे में है, जिसको पूरे विश्व में हमने दिखाया है, और जहाँ लोग अंग्रेज हों, ब्लैक्स हों, स्पेनिश हों, तालियां बजा बजा के खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, उस फिल्म का कहीं जिक्र तक नहीं है, जैसे कि ये फिल्म ही नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बस एक प्रार्थना करता हूँ, अब ये वैक्सीन वॉर एक तरह का मीडिया वॉर भी बन चुका है। यह आपकी फिल्म है, आप इसके बारे में लिखें, आप लोगों को दिखाएं, और सबसे पहली बात अपने घर की जो मेड है और उसके जो बच्चे हैं उनको दिखाइए। लेट दिस फिल्म ऑल्सो प्रूव कि अगर आप एक अच्छी फिल्म बनाते हैं, अगर आप एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जिससे लोग प्रेरणा ले सकें, तो उसको जनता चला सकती है। आई एम अ पीपल्स डायरेक्टर, आई मेक पीपल्स फिल्म, द वैक्सीन वॉर इज योर फिल्म। ये 28 तारीख को आ रही है, कृपया इसको अपना प्यार दीजिए, सहयोग दीजिए, सपोर्ट दीजिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो बॉलीवुड का स्कैम चल रहा है इसके बारे में कभी फुर्सत से बात करेंगे। तो दोस्तों सुना आपने किस तरह से बॉलीवुडिया गैंग ने इस बेहतरीन फिल्म का बायकॉट शुरू कर दिया है और इस फिल्म को एक तरह से साइडलाइन कर दिया है। लेकिन जनता ने अगर ठान लिया तो इस बॉलीवुडिया गैंग की सारी साजिश धरी की धरी रह जाएगी। हालांकि दोस्तों विवेक अग्निहोत्री की इस नई फिल्म द वैक्सीन वार को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो।